सरकारी कर्मचारियों की शिंदे गुट में हो रही है जोरदार भर्ती। राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के बैनर तले बेस्ट कर्मचारियों की जोरदार भर्ती की जा रही है। इसको लेकर मुंबई भर के विभिन्न बस डेपो से आए कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला। दादर के रविंद्र नाट्यगृह में गुरुवार को रखी गई थी बैठक। बेस्ट कामगार सेना किंवा बेस्ट कामगार सेना म्हणून ज्या बी एस टीमध्ये ज्या काही युनियन्स होत्या त्याच्या 26 डेपोमध्ये आमचे पदाधिकारी सर्व जाऊन त्यांनी चर्चा केली होती मेंबरशिप होण्याविषयी। राष्ट्रीय कर्मचारी संघटनेमध्ये बी एस टीच्या 1-2 युनियन नाही तर सगळ्या युनियन ज्या आहेत त्या बाजूला करून एकच युनियन व्हावं त्यासाठी याची प्रतिनिधी सभा ठेवलेली होती आणि ही प्रतिनिधी सभेमध्ये मिळालेला रेस्पॉन्स बघता मला खात्री आहे पुढच्या महिन्या किंवा 1.5 महिन्यामध्ये बी एस टीमध्ये फक्त एकच झेंडा शिल्लक असेल, दुसरा कुठचाही झेंडा नसेल आणि ते एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हे युनियन चालेल राष्ट्रीय कर्मचारी संघटना म्हणून। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बेस्ट बसों के कर्मचारियों की जोरदार भर्ती की जा रही है। इसको लेकर बाला साहेबांची शिवसेना के सचिव किरण पावस्कर ने गुरुवार 1 दिसंबर दादर पश्चिम स्थित रविंद्र नाट्यगृह में सैकड़ों बेस्ट कर्मचारियों के साथ बैठक लिया। यहां कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष एवं पार्टी सचिव किरण पावस्कर ने बेस्ट कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें आने वाले दिनों में अच्छी सुविधा और उनके सुनहरे भविष्य के लिए कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। यहां यह बदलाव एसटी कर्मचारियों की वापसी और दिवाली बोनस की घोषणा के बाद देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि शिंदे सरकार पूंजीपतियों की न होकर गोर गरीबों के लिए काम कर रहा है। कुछ कर्मचारियों ने तो यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे बीच के होने की वजह से हमारी समस्याओं को खूब नजदीक से जानते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निचले स्तर के कर्मचारियों के हितों पर काम कर रहे हैं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।